आज हम लोग सिंगल राइट एंगल बना करके सारे स्क्वायर रूट को नंबर लाइन पे इजीली रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए इसके लिए हम ये जीरो हमने लिया, ये नंबर लाइन है जिस पे जीरो लिया, और जीरो पे 90 डिग्री बनाएंगे। सारे बुक में वन पे 90 डिग्री बनाने की बात की गई है, लेकिन हम जीरो पे 90 डिग्री अगर बना दें तो बहुत इजी वे में सारे रूट्स बन जाएंगे। ये देखिए मैंने 90 डिग्री यहां पे बना लिया। 90 डिग्री बनाने के बाद ये 90 डिग्री में दोनों तरफ सपोज कीजिए ये जो हमारा डिस्टेंस है इसको हमने वन यूनिट ले लिया, ये वन यूनिट है, तो इस राइट एंगल पे भी वन यूनिट काटिए और यहां पे भी वन, ये तो हमारा नंबर लाइन पे वन हो गया या रूट वन हो गया। अब ये जो हमारा हाइपोटेनस है ये रूट टू होता है, ये हर जगह समझा हुआ बात है, लेकिन सब जगह यहां पे राइट एंगल बनाते हैं, हमने जीरो पे राइट एंगल बनाया। अब इससे क्या बेनिफिट हमको मिलेगा कि ये जो वन यूनिट है परपेंडिकुलर में, इस परपेंडिकुलर से हम अगर वन को मेजर करते हैं तो ये हमारा रूट टू हो गया, और जीरो से आके इसको कट मारते हैं तो यहां नंबर लाइन पे रूट टू मिल गया। अब फिर से अगर वन से रूट टू को मिलाएं तो ये हमारा दूसरा हाइपोटेनस होगा, यानी कि वन से अगर रूट टू को मेजर कर दे तो ये रूट थ्री हो जाएगा, और जीरो से इसको नंबर लाइन पे कट कर दे तो हमको रूट थ्री मिल जाएगा। सेम वे में वन से अगर रूट थ्री को मेजर कर ले और जीरो से नंबर लाइन पे कट कर दे तो ये हमारा रूट फोर हो जाएगा। सेम वे में वन से अगर रूट फोर को मेजर कर दे और ये वन से रूट फोर को मेजर किया और जीरो से उसको नंबर लाइन पे काट दे तो ये रूट फाइव हो जाएगा। फिर वन से अगर हम रूट फाइव को मेजर करें और इस जीरो से उसको नंबर लाइन पे कट कर दे तो ये रूट सिक्स हो जाएगा। फिर ये वन से हम रूट सिक्स को मेजर करें और जीरो से नंबर लाइन पे कट कर दे रूट सेवन हो जाएगा। फिर वन से हमने रूट सेवन को मेजर किया और जीरो से ये नंबर लाइन पे कट कर दिया, ये रूट एट हो गया। फिर वन से हमने रूट एट पे मेजर किया और जीरो से नंबर लाइन पे कट कर दिया तो ये हमारा रूट नाइन हो गया। और इस तरह से हम चाहे तो कंटिन्यू रूट बनाते चले जाएंगे बिना टाइम वेस्ट किए, और बहुत सारा राइट एंगल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।